महाराष्ट्र के मुरुड स्थित सह्याद्री पोदार लर्न स्कूल में शिक्षकों के लिए मुरुड सेवा केंद्र द्वारा स्कूली शिक्षा में मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता का समावेश विषय पर 3 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन शिविर आयोजित हुआ। शिक्षक के लिए कहा जाता है कि वह नई पीढ़ी के शिल्पकार होते हैं, इसलिए शिक्षकों का जीवन आदर्श और अनुकरणीय होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी उनके व्यक्तित्व का अनुकरण करके ही सीखते हैं। एक आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों का भाग्य विधाता होता है। इस संकल्प को नजर में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी के शिक्षा प्रभाग द्वारा शिक्षकों के लिए राजयोग मेडिटेशन द्वारा जीवन में और शिक्षा में मूल्य शिक्षा देने का प्रयास यहाँ किया गया है। शिक्षकों का आध्यात्मिक उत्थान कर भौतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा से राष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करने का कार्य ब्रह्मा कुमारी के शिक्षा प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। शिविर में मुरुड सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति दीदी ने नैतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि तनाव चिंता से ग्रसित विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए आध्यात्मिक शिक्षा को सभी शिक्षक मूल्यों की धारणा करेंगे और छात्रों को सिखलाएंगे, यह आशा रखती हूँ, ताकि भारत देश का भविष्य उज्जवल बनेगा। शिविर के दौरान शिक्षकों ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा अपने आंतरिक गुणों और शक्तियों का गहराई से अनुभव किया। स्कूल के प्रिंसिपल विजय माकनीकर ने अपने टीचर्स के सकारात्मक अनुभव सुनने के बाद कहा कि अगला सेशन हम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन उस वक्त उनके टीचर्स और पेरेंट्स भी उनके साथ रहेंगे, क्योंकि छात्रों को सही शिक्षा देने का कार्य सिर्फ टीचर नहीं करते बल्कि उनके पेरेंट्स भी करते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय रहते हैं, इसलिए उनका भी हम बड़े पैमाने पर सहयोग लेंगे। स्कूल सेक्रेटरी श्रुति पाटिल ने भी अपने अनुभवों को साझा किया और माउंट आबू के एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस में आने का वादा किया। इस सेशन में हमारे टीचर्स को अपने जो वैल्यू एजुकेशन का जो महत्व बताया ना, उससे भी हमारे स्कूल के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स पे अपनाएंगे और उससे हमारे स्कूल के नहीं सभी मतलब सभी स्टूडेंट्स टीचर्स उनकी फैमिली सबका और यहाँ पे योगदान बढ़ने वाला है। और ये सेशन हमें बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि मुझे और ऐसे सेशन सुनने मिलेंगे और मैं उस जरूर अपनाऊंगी। ये जहाँ भी होंगे मैं वहाँ पे पर्सनली खुद से आपके आपको कॉन्टेक्ट करके आऊंगी, ऐसा मैं आश्वासन देती हूँ। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में केवल भौतिक आवश्यकताओं को देखा जा रहा है, इसलिए आज के विद्यार्थी जीवन की समस्याओं को सामना करने में कमजोर दिखाई दे रहे हैं। वे भय, हिंसा, अत्याचार, चिंता, ईर्ष्या, मानसिक तनाव, धार्मिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। संपूर्ण विकास केवल आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा ही संभव है, इसलिए इस राजयोग के आध्यात्मिक ज्ञान को आप स्वयं भी धारण करें और छात्रों को भी धारण कराएं, ताकि राष्ट्र का भविष्य स्वर्णिम बने। डेफिनेटली जे फीडबैक मला टीचर्सकडून मिळाला तर डेफिनेटली तो खूप पॉझिटिव्ह होता। किशोर सर, त्यात तुम्हाला पण सांगू इच्छितो, मागे म्हटल्यासारखं आपण असंच एक सेशन मुलांसाठी पण एक आयोजित करूया, आणि फक्त मुलांसाठी नाही तर त्याच्यासोबत त्यांचे पालक पण असणं गरजेचं आहे। कारण फक्त मुलांना बोलून नाही, कारण इथं तर आपण स्कूलमध्ये डेफिनेटली मुलांना तुम्ही जे काही मॉरल शिकवलेले आहेत ते आपण एम्बाइब करू, बट मुलांना घरी गेल्यानंतर मॅक्सिमम टाइम ते घरी असणार आहेत त्यांच्या। आमच्यासोबत फक्त 6 तास आहेत, बट रिमेनिंग 17-18 hours ते त्यांच्या घरच्यांसोबत असणार, तर पॅरेंट्सला पण ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती असणं खूप गरजेचं आहे। कारण सगळीच रिस्पॉन्सिबिलिटी एकटी स्कूल नाही पार पाडू शकत, मुलांमध्ये जर डेव्हलपमेंट घडवायची असेल तर पॅरेंट, स्टुडंट, टीचर काय या तिघांनी पण मिळून काम केलं पाहिजे। तर डेफिनेटली आपण पुढे पण आपण एकत्रित येऊयात आणि एक चांगल्या मोठ्या स्वरूपामध्ये कसं पालकांना विद्यार्थ्यांना या सिच्युएशनमधून आपल्याला घडवता येईल याच्याबद्दल वर्कआउट करूया।